नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन के मौके पर देश को स्पेशल गिफ्ट दिया है। नामीबिया से स्पेशल विमान के जरिए भारत लाए गए चीतों को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क के स्पेशल बाड़े में छोड़ा और उनकी तस्वीरें भी ली। चीतों को 30 दिनों तक विशेष बाड़े में रखा जाएगा। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी, इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। चीतों को बाड़े में छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री कुनो में राष्ट्र को संबोधित किया, कहा कि भारत की धरती पर चीते मेहमान बनकर लौटे हैं। आजादी के अमृतकाल में चीतों का पुनर्वास। बता दें कि नामीबिया से करीब 8,500 किलोमीटर की सफर पूरा करके स्पेशल प्लेन से ग्वालियर में लैंड हुआ और प्लेन से चीतों को स्पेशल हेलीकॉप्टर से ट्रांसफर किया गया और फिर कुनो नेशनल पार्क तक का सफर चीतों ने हेलीकॉप्टर से पूरा किया। पीएम मोदी खुद लीवर हैंडल घुमाकर पिंजरे का गेट उन्होंने खोला और चीते विशेष रूप से तैयार किए गए बाड़े में आ गए हैं। इस दौरान पीएम ने उनकी तस्वीरें भी ली। अब चीते अलग अलग बाड़ों में 1 महीने तक रहेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस के चलते भारत चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है, हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। पीएम ने कहा कि कुनो नेशनल पार्क में इन चीतों को देखने के लिए लोगों का धैर्य दिखाना होगा और कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं। श्योपुर में भी पीएम मोदी ने अनोखा अंदाज दिखाया। पीएम ने सता मित्रों के बीच बैठकर सीधा संवाद किया। पीएम ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी कोई भी विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने श्योपुर में महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम शिवराज समेत अन्य नेताओं ने भी जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने विकास केंद्रों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित किया और महिलाएं देश का सम्मान है, पीएम ने कहा कि हमारे बहुत मेहमान आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से साल 2012 से ग्रामीण गरीब परिवार के महिलाओं को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना है और उनके संस्थागत विकास और आजीविका के कई अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में लगभग 43,47,000 परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है और समूह में 43 लाख से ज्यादा परिवार शामिल। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने की पीएम मोदी के कार्यों की सराहना। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी, कहा कि उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने भी ट्वीट करके शुभकामनाएं दी हैं। लिखा कि पीएम की लंबी उम्र के लिए कामना, देश को महान बनाने के लिए पीएम के प्रयास अतुलनीय है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई। इस मौके पर दिल्ली के बीजेपी विधायक ने करवाया विशेष पूजन। गर्भगृह में हुआ अभिषेक। नंदी हॉल और गर्भगृह में प्रधानमंत्री की तस्वीर लेकर दीर्घायु की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश में चीतों के आने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि चीतों का आना क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। श्योपुर में चीतों को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, चीतों के आने को खुशी जताई है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जयराम रमेश का ट्वीट करके आभार व्यक्त किया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा कि फोटो खिंचवाइए। इस दौरान सिंधिया ने भी अपना मोबाइल सामने खड़े अन्य व्यक्ति को दिया और कहा कि मोबाइल से फोटो खींचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक बारामूला में कुनो नेशनल पार्क का है, जहां पर सेना के हेलीकॉप्टर से चीतों का पिंजरा एक गाड़ी में रखा जा रहा था। बारे में कोरोना संक्रमण में चीतों को माता नेशनल पार्क में जल्दी ही टाइगर की धार सुनाई देगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी में अगले साल तक 5 टाइगर रिलीज किए जा सकते हैं। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क में 5 टाइगर जल्द लाए जाएंगे। सिंधिया ने कहा कि मेरी सोच है कि शिवपुरी में टाइगर लाए जाएं। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा हुई है।
से मैंने कहा कि रणथंभौर में टाइगर हैं, कूनो पालपुर में चीता होगा और आगे पन्ना सेंचुरी में शिवपुरी में अगले साल तक 5 टाइगर रिलीज करने की कोशिश करेंगे। मोदी के जन्मदिन पर आज से 2 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान देश भर के हर बूथ में कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पीएम की नीतियों में गरीब कल्याण शोषितों वंचितों का कल्याण केंद्रित रहता है, जिससे गरीबों शोषितों के बीच में बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और सेवा भाव में उनके बीच काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता रैली का शुभारंभ किया गया। रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर पीएम के जन्मदिन पर इंदौर वासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई, साथ ही स्वच्छता में अपना अव्वल स्थान बनाए रखने का संकल्प लिया। स्वाइन फ्लू को लेकर सीएम उपेश सख्त है। मामले पर स्वास्थ्य सचिव को समीक्षा बैठक करने के लिए निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आवश्यक तैयारी रखी जाए और अन्य बीमारियों से बचाव के निर्देश दिए हैं। बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर में सैकड़ों आदिवासी की मौजूदगी में पेशा कानून और वनाधिकार कानून को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व सीपीआई विधायक और बस्तर संभाग सचिव मनीष कुंजाम पहुंचे। सिंगरिया पेशा कानून 1996 और वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर 500 से ज्यादा ग्रामीण मौजूद रहे। मनीष कुंजाम ने पेशा कानून और वन अधिकार मान्यता कानून को लेकर सभा को संबोधित किया। भारत जन आंदोलन मंच के संयोजक विजय भाई ने भी ग्रामीणों को जानकारी दी। अंबिकापुर पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 3 आरोपी समेत 1 इनोवा वाहन को जब्त किया है। पुलिस ने इनोवा वाहन के 32 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई। रायपुर में अवैध रूप से कोयला भंडारण करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अवैध कोयला कारोबारी है। साथ ही पुलिस ने 2 हाईवा समेत 21 लाख का माल जब्त किया है। 100 टन अवैध कोयले की कुल कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है और इंडस्ट्रियल यार्ड में अवैध कोयला डंप बेचता था। मालदा बाजार में अवैध शराब मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने 60 लीटर अवैध शराब जब्त की। दरअसल वनांचल क्षेत्र में महुआ की अवैध शराब का गोरख धंधा धड़ल्ले से चल रहा था, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बुलारस में पूरनखेड़ी टोल प्लाजा पर ट्रक चालक और टोल कर्मियों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट हुई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक ट्रक लेकर औरंगाबाद से हरिद्वार जा रहा था। ओवरलोड वाहन बताने को लेकर एक दूसरे के बीच झगड़ा हो गया और जमकर मारपीट भी हुई है। पुलिस ने ट्रक चालक क्लीनर और टोलकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में 2 युवकों ने यात्रियों से लूटपाट की है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। दरअसल उत्तर प्रदेश का बागपत निवासी अपन भाई की जमानत के लिए अंबिकापुर के रैंड बसेरा में रुका हुआ था। तभी आरोपी से मुलाकात हुई। आरोपी ने पीड़ित को अपने झांसे में लेकर जमानत कराने के नाम पर पैसों की ठगी कर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी को पुलिस की टीम ने मध्यप्रदेश के शहडोल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। बिलासपुर में कुल्हाड़ी मारकर युवक हत्या का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ। घटना तेलसरा बस्ती की बताई जा रही है। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बलरामपुर के सरकारी स्कूल में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी मध्यान्ह भोजन योजना का बुरा हाल हो चुका है। बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उनमें न दाल है न ही सब्जी है, बच्चों को केवल सूखा चावल मिल रहा है। वहीं अधिकारी पढ़ती कम होने का हवाला दे रहे हैं। बच्चों की संख्या स्कूल में ज्यादा हो और पढ़ने में उनकी रुचि बनी रहे, इसे लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की थी। जानकारी के मुताबिक हर बच्चे के हिसाब से राशन दिया जाता था, ताकि बच्चे कम से कम दोपहर में स्कूल में ही भोजन कर सके, लेकिन सिर्फ खानापूर्ति ही की जा रही है। बच्चों को न तो पर्याप्त दाल मिल रही है और न ही सब्जी। छतरपुर में जिला अस्पताल के सीएमएचओ लखन तिवारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां पाई गई, जिससे वो नाराज दिखे। उनके दौरे के दौरान कई मरीज वार्ड पर जमीन पर ही लेटे हुए थे, जिससे वो नाराज हो गए। सीएमएचओ ने धूमपान करने वालों को भी हिदायत दी और कहा है कि जिला अस्पताल में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने माना में पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस मौके पर 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में रायपुर पुलिस के रक्षक निरीक्षक वैभव मिश्रा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया।
वर्तमान में रायपुर में पदस्थ वैभव मिश्रा नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में और नक्सलियों से कई बार वो सामना भी कर चुके हैं। वैभव को गोल्ड मेडल मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल समेत कई अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी के जन्मदिवस के मौके पर अमित शाह ने हैदराबाद से सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए। तेलंगाना मुक्ति दिवस के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में परेड ग्राउंड में समारोह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को सरकार की अनुमोदना के साथ मनाया जाए, मगर दुर्भाग्य की बात है कि 75 साल चले गए जिन्होंने यहां पर शासन किया, उन्हें वोट बैंक की राजनीति के कारण हैदराबाद मुक्ति दिन नहीं मिला। नेपाल के पीएम शेरबहादुर देउबा ने देश के पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके जन्मदिन के अवसर पर अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की शुभकामनाएं। पंजाब के पूर्व सीएम और पीएलसी के प्रमुख अमरिंदर सिंह अगले हफ्ते भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी के प्रवक्ता प्रिंसपाल सिंह बालियावाल ने बताया कि अमरिंदर सिंह अपनी नवगठित पार्टी पीएलसी का बीजेपी में विलय भी करेंगे। अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बीते साल कांग्रेस छोड़ दी थी और पीएलसी का गठन किया था। राजस्थान सरकार ने एथलीटों के लिए सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही 229 प्रतिभावान खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देंगी और कोच को खिलाड़ियों के लिए पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पदक खिलाड़ियों के लिए राशि बढ़ा दी है और जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए किया। देश में कोरोना के 5,747 नए मामले सामने आए हैं। 5,618 मरीज हुए डिस्चार्ज। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 46,848। हरियाणा में भी कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 80 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 123 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। रणवीर सिंह को हाल ही में संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने नन्हे फैंस के साथ सेल्फी भी ली। मुनव्वर फारूकी का गर्लफ्रेंड नाजिला से ब्रेकअप नहीं हुआ है। मुनव्वर ने नाजिला के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर जानकारी दी। अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर थैंक गॉड विवादों में फंस गई है। कुवैत सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देश में बैन कर दिया है और मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था। आयुष्मान खुराना का फिल्म ड्रीम गर्ल पार्ट 2 अगले साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस बात की जानकारी खुद आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके दी है। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में प्रीति अपने पति जिन गुडनाइफ के साथ समंदर में चिल करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्यप्रदेश में पीएम मोदी के जन्मदिन पर चीतों के आने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे राज्य में उत्सव का माहौल। सीएम ने कहा कि रोजगार की अपार संभावनाएं लेकर पीएम हमारे बीच पधारे हैं। आजीविका मिशन की बहनें अपनी मजदूरी करती थी और आज मालकिन बन गई हैं। विदिशा में उत्साह से मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, साथ ही किया पौधारोपण। हर इलाके में पहुंचा 25 साथियों का दल। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग क्षेत्र में लगातार कर रहा मुनादी। फतेहाबाद में कुनाल गांव में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया है। इस दौरान कई छात्र घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनाल के मधुबन अकेडमी में ट्रेनिंग पर आए एक ही जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिससे विरोध में सैकड़ों की जनसंख्या में पुलिस जवान विरोध स्वरूपी एचएसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। कुरुक्षेत्र के गोवा उपमंडल में लुटेरों का हौसला बुलंद है, जहां पर लुटेरों ने एक दुकानदार के गले से सोने की चुनी लूटकर फरार हो गए। वहीं लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने लूट की वारदात का मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। नगर जिले में पटाखे बजाने वाले बुलेट के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत सिर्फ 2 दिन में 28 चालान किए गए। ट्रैफिक एसएचओ लोकेश कुमार ने कहा है कि नियमों के विरुद्ध कई मनचले बुलेट से पटाखे बजाते हुए निकलते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में बनी फर्नीचर मार्केट में आग लगी। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी वहां मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। फर्नीचर मार्केट में 7 से 8 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। हादसे में किसी का भी जान का नुकसान नहीं हुआ।
चुलाना कस्बे के वार्ड 1 की निवासी जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशान है। दरअसल वार्ड में सीवरेज की मेन लाइन ब्लॉक है, जिसकी वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में आगे भर गया है।